पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। इस प्रकार की द्वेष की भावना, अपशब्दों का प्रयोग करना और खुले मन से बोलना कि 40 टीएमसी के विधायक उनके व्यक्तिगत संपर्क में हैं, ये चुनाव प्रणाली का जो निर्वाचन आयोग के आदेश हैं या जो संविधान कानून है उससे बिल्कुल परे है। निर्वाचन आयोग के ऊपर इतने ज़्यादा सवाल उठ गए हैं, अभी तक मैंने कम से कम खुद कभी भी निर्वाचन आयोग पर सीधे तौर पर सवाल नहीं उठाया है, क्योंकि संवैधानिक पद है। हम सब उम्मीद करते थे कि वो एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था के रूप में काम करेंगे, लेकिन ये भी उस समय के बाद जब मैं कलकत्ता में सभा कर रहा था, मुझे सूचना मिली कि निर्वाचन आयोग ने एक दिन पहले चुनाव प्रचार बंगाल में समाप्त करने की बात करी है। अगर हिंसा की उनको आशंका थी तो तत्काल चुनाव प्रचार सस्पेंड कर सकते थे, लेकिन क्योंकि कल के दिन प्रधानमंत्री जी की दो सभा बंगाल में थी, इसलिए अगला दिन छोड़ के अगले दिन से बैन लागू किया है। ये पहली बार किया, आर्टिकल 324 ऑफ इलेक्शन कमीशन कंडक्ट पहली बार इन्वोक किया गया, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी की सूटेबिलिटी देखकर इसको लागू किया गया। वाजिब सी बात है कि लोगों के जहन में सवाल उठेगा, और अगर टकराव हुआ भी था तो टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ, तो टीएमसी और भाजपा को आप प्रतिबद्ध कर सकते थे। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे सीपीएम है, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनको भी आपने प्रचार से वंचित रखा, और ये निर्वाचन आयोग पर इतने सवाल उठ रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जैसी एक इतने अस्तित्व वाले संगठन और इतने अस्तित्व वाली संस्था को इतने सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। इसलिए निर्वाचन आयोग की जो भूमिका रही है वो बहुत ही संदिग्ध हो गई है, और प्रधानमंत्री जी ने जो तुलना की है कश्मीर के पत्थरबाजों से, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो गिरता हुआ ग्राफ है उसी का एक परिणाम है। जहाँ तक हिंसा की बात हो रही है, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में, विशेष रूप से हमारी राजनीति में, हिंसा की कोई जगह नहीं है। कोई भी दल हो, किसी विचारधारा का हो, कोई नेता हो, कोई सरकार हो, कोई कार्यकर्ता हो, जो भी कानून को तोड़ता है उसको तत्काल निंदा करके कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हिंसा कर राजनीति में भी जगह बना लेना हमारे अस्तित्व के खिलाफ है। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी बंगाल में जो घटनाक्रम हुआ उसकी बहुत निंदा कर रही है, लेकिन रायबरेली से जो कांग्रेस के विधायक हैं उन पर जो आक्रमण हुआ, उन पर जो जानलेवा हमला हुआ, एक बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या अमित शाह जी ने या भाजपा ने उस घटना की निंदा नहीं करी। तो हिंसा भी अगर होती है, अगर पॉलिटिकली सूट करती है भारतीय जनता पार्टी को, तो उसको कंडेम करने के लिए अपने स्टेटमेंट्स आप इशू करते हैं, और जो आपको सूट नहीं करता है उस इंसिडेंट को आप संज्ञान में लेने से मना कर देते हैं। ये जो निष्पक्षता का अभाव है, ये भाजपा के 5 साल के घमंड और अहंकार का एक जीता जागता प्रतीक है। एक शब्द नहीं बोला गया। हमारी एक महिला विधायक के साथ जो जानलेवा हमला हुआ उस पर किसी भाजपा के नेता ने टिप्पणी करना भी सही नहीं समझा। ये सारा जो कुछ हुआ इसे देखकर हम सबको बहुत दुख है, और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जो टिकट दिया उस पर बहुत सवाल उठे। भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर जी को बहरहाल उन्होंने कहा कि वो बेल पर हैं, चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन लगातार पहले हेमंत करकरे को उन्होंने जो कहा कि मेरे श्राप के कारण वो मरे हैं, एक शहीद को, एक पुलिसकर्मी को अपमानित करने का काम किया, और अब सारी हदें पार कर जो घोड़से की प्रशंसा कर सकते हैं, और इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भाजपा अपने आप को बोलती है, इतना भी उनमें कलेजा नहीं था। और प्रियंका जी ने ठीक कहा कि 56 इंच की छाती है लेकिन दिल नहीं है। दिल होता तो अपनों को कटघरे में खड़ा करने की हिम्मत होनी चाहिए थी। महात्मा गांधी की फ़ोटो हर सरकार के दफ्तर में होती है, राष्ट्रपति के यहाँ, प्रधानमंत्री के यहाँ होती है। जिस राष्ट्रपिता को मारने वालों की आप बड़ाई कर रहे हो, उन बड़ाई करने वालों को आप धुतकार नहीं सकते, निष्कासित नहीं कर सकते, तो फिर आपका जो झूठा राष्ट्रवाद है ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि इस चुनाव में बहुत चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। ये चुनाव लंबा चला है, लेकिन धीरे धीरे जो फ्रस्ट्रेशन और जो
असलियत है जो बेनकाब होने के बाद जाहिर हुई है, उससे लोग समझ गए हैं कि किन लोगों के हाथ में देश सुरक्षित है और किन लोगों के हाथ में सुरक्षित नहीं है। बहरहाल 23 मई को परिणाम आएंगे और एग्जिट पोल 19 को आएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ, कि दक्षिण भारत में तो बीजेपी का खाता शून्य पर रहेगा और जहाँ उन्होंने पिछली बार बहुत अधिक बढ़त हासिल करी थी वहाँ पर भारी नुकसान बीजेपी को होगा और अन्य राज्यों में अपनी जगह बना पाए, क्योंकि बंगाल में पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी हालत से पोलराइजेशन हो। और आपको मैं आग्रह करूँगा, कृपया करके कैलाश विजयवर्गीय जी के फेसबुक ट्विटर हैंडल को आप देख लीजिए, जिस प्रकार के वीडियोज़ उन्होंने डाले हैं, जो रोड शो के नाम पर जो जो एक कारवां निकला था वो राजनीतिक था या ध्रुवीकरण की राजनीति की परिकाष्ठा थी, क्योंकि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ मान मर्यादाओं का सम्मान करता हूँ। इसलिए आप सबसे निवेदन करूँगा, आप देखिए कि किस प्रकार की राजनीति और किस प्रकार से उन्होंने वहाँ किन लोगों को बुलाया, कौन वो लोग थे, ये सब सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि ये सारा निर्वाचन आयोग की नज़र से बच कैसे गया। ये सारे सवाल उठे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, लेकिन मुझे विश्वास सबसे ज़्यादा है देश के प्रजातंत्र में और हमारे मतदाताओं के ऊपर, और जो भी निर्णय पब्लिक करेगी वो सबको स्वीकार्य होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि 23 मई को जो परिणाम आएंगे उसमें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की सरकार दिल्ली में बनना तय है, और ये कांग्रेस पार्टी पहले भी स्पष्ट कर चुकी है, राहुल जी ने कई मर्तबा कहा है और कल दोबारा हम लोगों ने कहा है कि 23 मई को जो परिणाम आएंगे उसके बाद नॉन बीजेपी नॉन एनडीए गवर्नमेंट कैसे बनानी है उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सक्रिय रहेगी, और जो इस देश की हमसे उम्मीदें हैं उसी प्रकार अपना हम स्टैंड लेंगे। कांग्रेस यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने मीटिंग बुलाई है जो नॉन एनडीए नॉन यूपीए के दल हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे, और पद पोस्ट सत्ता को लेकर किसी भी दल के मन में लालच नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे गणतंत्र को, हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जा सके, इसलिए गैर बीजेपी की सरकार का निर्माण करना सभी दलों की प्राथमिकता है। उसमें जो भी भूमिका कांग्रेस को निभानी है वो हम पूरी तत्परता से और पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। आप में से किसी के सवाल हो इस संदर्भ में? दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर्स। अल्टीमेटली आई कीप सेइंग द कांग्रेस रिमेन्स द ओनली पॉलिटिकल पार्टी that can challenge and defeat the BJP at a national level. Of course, every regional party has a role to play. I have great regard for the regional parties and the leadership, but at a pan-India level, to be able to counter and challenge and defeat the BJP, Congress remains the pivot. I think there are give and takes in every coalition. Congress party ka achha gadbandhan hua Karnataka mein, Maharashtra mein, Bihar mein, Jharkhand mein, aur jahan pe gadbandhan nahi bhi hai, वहाँ भी गैर भाजपा का जो समझौता हुआ है दलों का उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एम ये है कि हम एक गैर एनडीए सरकार कायम करें। क्या इवॉल्व होकर आएगा ये सब आंकड़ों पर निर्भर करेगा, लेकिन ये सभी जानते हैं कि जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की ताकत के बिना भाजपा को हराना संभव नहीं है। ये हमारे जो विपक्ष के बाकी दल हैं इस बात को जानते हैं, और सभी दलों से कांग्रेस पार्टी ने पहले भी चर्चा की है, कुछ दलों के साथ हमारा इलेक्टोरल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है वो बात भी सब जानते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब लोगों का एक ही है कि कैसे गैर भाजपा की सरकार हम लोग वहाँ दिल्ली में बना सकें। ये जो आप कह रहे प्रोसेस है वो चल रही है, मीटिंग की है, सुना है अशोक गहलोत भी इसी कारण से वहाँ पे है, आप भी दक्षिण में जाते हैं बंगाल में जाते हैं, आपको भी कोई जिम्मेदारी है? आप भी जिम्मेदारी सबके पास है, लेकिन जब तक 23 मई को मतगणना नहीं होती हमारी कोशिश ये है कि भाजपा ये दुर्भावना फैलाती है कि कांग्रेस पार्टी अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, और कई दलों के अंदर ऐसे नेता हैं जो स्टेटमेंट दे चुके हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने के लिए समय रहते ही हम लोग सबसे चर्चा कर रहे हैं, जिसके जो संपर्क हैं हम लोग अपनी बातें करते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली यूपीए के चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी हैं और यूपीए का अपना एक अस्तित्व है। अब यूपीए के अलावा जो पार्टीज़ हैं जो नॉन अलाइंड हैं किसी और कोलिशन के साथ, उनका क्या रुख रहता है वो असर्टेन करने के लिए हम सभी लोगों से बात करते रहते हैं, लेकिन मैं जैसा बता रहा हूँ ये सब कुछ डिपेंड करेगा आंकड़ों के ऊपर, क्योंकि लोकतंत्र चलता है गिनती से। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी 1 वोट से, तो 23 मई को परिणाम क्या आते हैं सब उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन कांग्रेस ने समय रहते ही अपनी रीति
अपनी नीति अपनी नियत स्पष्ट कर दी है कि हम सबको साथ लेकर पहले भी चले हैं, अलायंस कई स्टेट्स में ना हुआ सही, लेकिन हम सबका जो सामूहिक लक्ष्य